अस्सलामुअलैकुम। 2019 में जो न्यूमेरिकल्स थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 10 से लेकर कहाँ तक ये गिवन है, 17 तक, मतलब एक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल 8 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को गिवन है, जिसमें से हम लोग 7 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रॉनिक हीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स। ये आप लोगों को क्या चीज़ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स। ये आप लोगों को क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर है जिसके रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। आप लोगों को फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द हीटर एंड द पावर। आप लोगों को उसका करंट निकालना है और उसकी क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो देखें, डेटा में सबसे पहले रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या है, ओम्स, 20 ओम्स आप लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है। अब देखें, चाहे तो ऐसे लिखें या फिर चाहे तो ओम लिख लें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल वी। वी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आप लोगों को, 220 वोल्ट्स। आप लोगों को क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट को ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट आप लोग किससे डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आप लोगों को मालूम करना है। और आप लोगों को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है। तो देखें, इसके लिए सबसे पहले हम लोग पी निकालेंगे या आई निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आई निकालेंगे, क्योंकि पी के फॉर्मूले में हमें आई की नीड होगी। आई कहाँ से निकल सकते हैं, देखें डेटा में आप लोगों को आर गिवन है और वी गिवन है, तो कोई मसला नहीं। हम लोग सब बच्चों को पता होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये लॉ सब बच्चों को पता होगा। V की क्या वैल्यू हमें गिवेन है, V की वैल्यू हमें गिवेन है 220 इज इक्वल्स टू आई, हमें पता करना है। और R हमें क्या गिवेन है, R हमें गिवेन है 20। क्या हो जाएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाय 20। 2 1 2, 11 22। तो आई क्या निकला हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू 22। और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, ठीक। अब सेकंड चीज हमें क्या मालूम करनी है, सेकंड चीज हमें पावर मालूम करनी है। तो अब कोई मुश्किल नहीं है, पावर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होगा, पी इज इक्वल्स टू वी आई। वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर निकल जाती है। तो देखिए, आई पहले हम लोगों ने इसीलिए निकाला था। वी हमें क्या गिवन है, 220 मल्टीप्लाई बाय 22 होगा, मैंने 11 बोला, गलती से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11। 220 मल्टीप्लाई बाय 11, ईजिली इसका पावर का आंसर हमारे पास क्या निकल जाएगा, 1420। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट्स, दैट्स इट। तो देखिए, 8 के 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी हम सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर चुके हैं। 2019 का पूरा ईयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन 8 क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई से भी 5 क्वेश्चंस आप लोग सक्सेसफुली बगैर किसी मिस्टेक के, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डेटा में सारे यूनिट्स डालते हुए, क्योंकि अक्सर बच्चे डेटा में यूनिट्स भूल जाते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप लोग अच्छे से 5 क्वेश्चंस इनमें से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आप लोगों के इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं 20। 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना, 5 4 से आप लोगों के पास कितने मार्क्स हो जाएंगे, पूरे 20 मार्क्स आप लोग इजीली गेन कर सकते हो। न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है, अगर आप लोगों को ना आता हो, अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दी हो, तो आप लोगों के सारे मार्क्स कट सकते हैं। और न्यूमेरिकल ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर आप लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हुए सक्सेसफुली सब कुछ कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो फुल मार्क्स लेने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। इस पोर्शन में अगर आप लोग चाहो तो आप लोग 20 out of 20 मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइए आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये पूरा ईयर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को 2018 और फर्दर ईयर्स करवा सकूँ, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, अपनी तैयारी अच्छी से करें, और अपनी अच्छी सी तैयारी के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। खुदा हाफिज़।